हेलो एवरीवन मेरा नाम है प्रणव जैन और आज का हमारा टॉपिक है बैरेट्स इसोफेगस यूनिट जीआईटी डिसऑर्डर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो शुरू करते हैं बैरिट्स इसोफेगस इज करेक्टराइज बाय इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया यहां पर होता क्या है जो हमारे इसोफेगस की नॉर्मल स्क्वास एपिथीलियम होती है वो रिप्लेस हो जाती है इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ एपिथिलियम और इंटेस्टाइन में कैसी एपिथिलियम होती है कॉलमनार एपिथिलियम विद गॉबलेट सेल्स ये जो बैरेट इसोफेगस होता है ये कॉम्प्लिकेशन होता है क्रॉनिक गेस्ट्रोइसोफेज रिफ्लक्स डिजीज का जिसको हम गर्ड भी बोलते हैं क्रॉनिक गेस्ट्रोइसोफेज रिफ्लक्स डिजीज में क्या होता है जो हमारे स्टमक के कंटेंट होते हैं वो रिफ्लक्स होते हैं इसोफेगस में तो जो इसोफेगस का लोअर पार्ट होता है वहां पर एसिड का एक्सपोजर हो जाता है और एसिड एक्सपोजर की वजह से नॉर्मल स्क्वामस एपिथिलियम रिप्लेस हो जाती है कॉलमनर एपीथिलियम से कॉलमनर सेल्स बेटर विद स्टैंड करते हैं बेटर सर्वाइव करते हैं एसिडिक एनवायरमेंट में एज कंपेयर टू स्क्मर सेल। तो यहां पर क्या हो रहा है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया बैरेक्स इसोफेगस अराउंड टेन परसेंट ऑफ पेशेंट्स में मिलता है विद सिम्टोमेटिक गर्ड और ये मेनली मेल्स में होता है यूजली बिटवीन फोर्टी टू सिक्सटी ईयर्स ऑफ एज बैरिट्स ईसोफेगर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोर्फोलॉजी ग्रॉस अगर हम बात करें बैरट्स इसोफेगस अपीयर एज वन और सेवरल पैचिज ऑफ रेड वेलवेटिव म्यूकोसा कौन सी म्यूकोसा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एक्सटेंडिंग फ्रॉम गेस्ट्रोईसोफेजियल जंक्शन अपवर्ड इनटू इसोफेगस. दिस इज एंडोस्कोपिक व्यू ऑफ बैरट्स इसोफेगस. यहाँ पर आप इजिली अप्रिशिएट कर सकते हैं दिस इज गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन और ये जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है ये है ईसोफेगस एंड दीज आर सेवरल पैचिस ऑफ रेड वेलवेटी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो एक्सटेंड कर रही है हमारी गैस्ट्रोइोफेजल जंक्शन से अपवर्ड इन टू द इोफेगस अगर हम बेरेट्स इसोफेगस की माइक्रोस्कोपी की बात करें तो जो लोअर इसोफेगस की नॉर्मल स्क्मस लाइनिंग होगी वो किससे रिप्लेस हो चुकी होगी इंटेस्टाइनल एपिथिलियम के और माइक्रोस्कोपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्रेजेंस ऑफ गॉब्लेट सेल्स विद डिस्टिंक्ट म्यूकस वैक्यूल्स इन द रीजन ऑफ इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया आर नेसेसरी फॉर डायग्नोसिस मतलब अगर हमें बेरेट्स इसोफेगस का कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस करना है तो माइक्रोस्कोपी में गॉबलेट सेल्स विद डिस्टिंक्ट म्यूकस वैक्यूल्स का होना जरूरी है सो दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ बैरेट्स ईसोफेगस और यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं जो हमारी नॉर्मल स्क्वामस एपिथीलियम होती है ईसोफेगस की वो रिप्लेस हो चुकी है कॉलमनार एपीथीलियम से एंड दीज आर गॉबलेट सेल्स कंटेनिंग म्यूसिनस वैक्यूल्स दैट आर नेसेसरी फॉर डायग्नोसिस ऑफ बैरेट्स ईसोफेगस लास्ट हम देखेंगे कॉम्प्लीकेशन ऑफ बेरेट्स ईसोफेगस फर्स्ट इज हाई एंड लॉन्ग स्ट्रिक्चर स्ट्रिक्चर मतलब होता है नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन तो बैरेट्स इसोफेगस की वजह से जो इसोफेगस का मिडल पोर्शन है वहां पर नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन हो सकती है सो दिस इज डबल कंट्रास्ट इसोफेजोग्राम और यहां पर आप देख सकते हैं जो इसोफेगस का मिडल पोर्शन है उसका ल्यूमेन डिक्रीज हो चुका है इसको हम मिड इसोफेजियल स्ट्रिक्चर बोलते हैं जो होता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैरेट इसोफेगस सेकेंड इज क्रॉनिक पैप्टिक अल्सरेशन मतलब बैरेट अल्सर हो सकता है इन ईसोफेगस एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैरेट्स ईसोफेगस एंड लास्ट इज रिस्क ऑफ ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा बैरिट्स ईसोफेगस एग्जाम्पल है मेटाप्लेजिया का और मैंने आपको बताया था मेटाप्लेजिया की वजह से कैंसर हो सकता है सो देयर इज इनक्रीज रिस्क ऑफ ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा दिस इज ऑल अबाउट बैरिट्स ईसोफेगस दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहां पर भी मैं काफ़ी मेडिकल रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ थैंक यू